सबसे पहले सदर बावकारे मुशायरा मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल साहब, जिनकी शख्सियत अहलियाने नागपुर के लिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आज के इस तारीखी मुशायरे के सदर हैं। हम सबसे पहले सदर बावकारे मुशायरा मोहतरम डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब के इस्तकबाल के लिए मुशायरा मैनेजिंग कमेटी के सदर हाजी मोहम्मद अशरफ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वह आए। सदर मुशायरा का इस्तकबाल। कन्वीनर मुशायरा मैनेजिंग कमेटी के सदर अलहाज मोहम्मद अशरफ साहब सदर मुशायरा डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब का लीजिए डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब मुशायरा गाह में तशरीफ ला चुके हैं। हम मुंतजमीन से दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें स्टेज पर लाएं। मुशायरा मैनेजिंग कमेटी के सदर अलहाज मोहम्मद अशरफ साहब आइए डॉक्टर साहब। हाजी मोहम्मद अशरफ साहब सदर मुशायरा का इस्तकबाल करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, हमारे बीच नागपुर के महापौर माननीय श्री प्रवीण दटके जी तशरीफ रखते हैं, जिनके हाथों अभी मुशायरे की शमा रोशन की जाएगी। मैं उनके इस्तकबाल के लिए आज के इस मुशायरे के कन्वीनर मशहूर मारूफ सामाजिक कारकुन और हमारे इस प्रभाग 28 के नगर सेवक अलहाज मोहम्मद कामिल अंसारी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेयर ऑफ द सिटी माननीय श्री प्रवीण दटके जी का उनके शायान शान इस्तकबाल करें। दिल्ली से आए हमारे मेहमान जनाबे इकबाल अशर साहब स्टेज की तरफ आते हुए कामिल अंसारी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। माननीय श्री प्रवीण दटके जी भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मेयर ऑफ द सिटी माननीय प्रवीण दटके जी का इस्तकबाल किया कन्वीनर मुशायरा ने। हमारे बीच हमारे इस सेंट्रल नागपुर के एमएलए माननीय श्री विकास कुंभारे जी भी तशरीफ रखते हैं। मैं इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर अब्दुल लतीफ सेठ साहब से दरख्वास्त करूंगा तो वो विकास कुंभारे जी का इस्तकबाल करें। लीजिए हमारे शोरा इकराम भाई, आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाइए। पीछे खड़े हुए लोगों से एक बार फिर मुअद्दबाना इल्तिमास है कि वो बैठ जाएं, ताकि हम बगैर किसी ताखीर के माइक नाजिम मुशायरा नांदेड़ से आए हमारे मेहमान जनाबे फिरोज रशीद साहब के हवाले करें। कबल उसके मैं मुंतजमीन से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे बैरूनी शोरा इकराम का इस्तकबाल करें। सबसे पहले रामपुर से तशरीफ लाए हमारे मेहमान शायर जनाबे ताहिर फराज साहब के इस्तकबाल के लिए मैं मुशायरा मैनेजिंग कमेटी के ट्रेजरर हाजी मोहम्मद इद्रीस साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए, और मोहतरम ताहिर फराज साहब जो रामपुर से तशरीफ लाए हैं उनका इस्तकबाल कर रहे हैं हाजी मोहम्मद इद्रीस। उसी तरह
हमारे बीच मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं मौसूफ के इस्तकबाल के लिए मुशायरा मैनेजिंग कमेटी के रुकन जावेद इकबाल इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की खिदमत में गुलों का दस्ता पेश करें। मैंने शोरा के इस्तकबाल का सिलसिला शुरू किया, तमाम हमारे एक और मेहमानी खुसूसी होटल अराफात के प्रोपराइटर मोहतरम जमील अहमद खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं डॉक्टर आसिफ अंसारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और जमील अहमद खान साहब की खिदमत में गुलों का दस्ता पेश करें। जमील अहमद खान साहब प्रोपराइटर होटल अराफात का इस्तकबाल डॉक्टर आसिफ अंसारी कर रहे हैं। हमारे एक और मेहमान साबिक वजीर अलहाज अनीस अहमद साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका भी मुशायरा मैनेजिंग कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करते हैं और जनाब निज़ाम अंसारी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो मौसूफ का इस्तकबाल करें। अलहाज अनीस अहमद साहब के इस्तकबाल के लिए मैं निज़ाम अंसारी साबिक कारपोरेटर से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो आएँ और अलहाज अनीस अहमद साहब का इस्तकबाल करें। हमारे दीगर शोरा भी शायरात और हमारे मकामी शायर जनाब हमीद अंसारी के हमरा स्टेज पर आ रहे हैं। मैं दिल्ली से आए हमारे मेहमान शायर इकबाल अशर के इस्तकबाल के लिए भी मुंतजमीन से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अनवर अंसारी साहब इकबाल अशर साहब का इस्तकबाल करेंगे। इकबाल अशर साहब दिल्ली से हमारे बीच। लीजिए नाजिम मुशायरा नांदेड़ से तशरीफ लाए हमारे मेहमान जनाबे फिरोज रशीद साहब के इस्तकबाल के लिए मैं मोहम्मद शफीक मजहर भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और हमारे नाजिम मुशायरा फिरोज रशीद साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। शफीक मजहर साहब भोपाल से आए हमारे मेहमान शायर जनाबे कामिल बहजादी, जहाँ कहीं भी हो अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाबे कामिल बहजादी भोपाल से। लीजिए इकबाल अशर फिरोज रशीद साहब के इस्तकबाल के बाद मैं आज़म शाकरी साहब के इस्तकबाल के लिए जनाबे फैज़ अंसारी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आज़म शाकरी साहब का इस्तकबाल करें। आज़म शाकरी का इस्तकबाल कर रहे हैं फैज़ अंसारी। हमारे बीच मुंबई से तशरीफ लाई मोहतरमा लता हया साहिबा के इस्तकबाल के लिए मैं हमारी साबिक मेयर डिप्टी मेयर मोहतरमा जैतून भी से दरख्वास्त करूंगा कि वो
मोहतरमा लता हया साहिबा जो मुंबई से तशरीफ़ लाई हैं, इनका इस्तकबाल कर रही हैं। जैतून भी हमारी साबिक डिप्टी मेयर मोहतरमा जैतून पटेल साहिबा इस्तकबाल के लिए आ रही हैं मोहतरमा लता हया साहिबा के, और उन्हीं से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो मोहतरमा शबीना नाज साहिबा का भी इस्तकबाल करें। सबिया नाज लीजिए, लता हया साहिबा का इस्तकबाल जैतून भी साहिबा ने किया, और मोहतरमा सबिया नाज साहिबा जो हमारे इस मुशायरे की दूसरी शायरा हैं उनका भी इस्तकबाल मोहतरमा जैतून भी कर रही हैं। हमारे बीच डॉक्टर सागर साहब, डॉक्टर सागर साहब के इस्तकबाल के लिए मैं हारून भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए, और डॉक्टर मुशायरा मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हारून भाई इस्तकबाल करेंगे डॉक्टर सागर साहब का। हमारे बीच आकोट से मजाहिया शायर तशरीफ़ लाए हैं मतीन बेकल साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं नियाज़ अहमद नियाज़ से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आए और मतीन बेकल साहब का इस्तकबाल करें। हमारे बीच हमारे मकामी शायर जनाब हमीद अंसारी भी तशरीफ़ रखते हैं, मैं मुंतजमीन से दरख्वास्त करूँगा कि उनका भी इस्तकबाल करें। नाम बता दो अपना। मोहम्मद शकील साहब इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे मकामी शायर जनाब हमीद अंसारी। उनका एहतराम लाजमी है। मैं माननीय श्री सईद भाई इस्तकबाल कर रहे हैं कामिल अंसारी साहब का जो कन्वीनर हैं, उसी तरह वो इस्तकबाल करेंगे दूसरे कन्वीनर अब्दुल लतीफ़ सेठ साहब का। सईद भाई इस्तकबाल कर रहे हैं। मोहतरम अब्दुल रऊफ खान साहब चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी का इस्तकबाल कन्वीनर मुशायरा अब्दुल लतीफ़ सेठ साहब कर रहे हैं। अब्दुल लतीफ़ सेठ साहब इस्तकबाल करेंगे महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मोहतरम अब्दुल रऊफ खान साहब का।